कंसेप्ट वैल्यूएशन ऑफ शेयर का कंसेप्ट और डिफरेंट मेथड्स डिस्कस करने के बाद आज हम पहला मेथड पकड़ेंगे, दैट इज द वैल्यूएशन ऑफ द शेयर, विच इज पॉपुलरली नोन एज द एसेट बैकिंग मेथड. एंड एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट दिस मेथड इज हैविंग द डुप्लीकेट नेम्स, बहुत सारे और नाम भी हैं जिनसे इसको पुकारा जाता है, जैसे नेट एसेट मेथड, इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड. तो जैसे हमने कहा था कि मेनली तीन मेथड, दो मेथड होते हैं लेकिन दोनों का एवरेज करके हमारे पास तीसरा मेथड आ जाता है. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आप में एक स्किल डेवलप करेंगे कि शेयर की वैल्यूएशन कैसे करते हैं. तो फर्स्ट मेथड इज दैट इज ए नेट एसेट मेथड और इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड. देखिए, हम नेट एसेट मेथड को सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो इसकी थ्योरी है वो एक क्वेश्चन के हेल्प से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आपके साथ, फिर उसी को हम फर्दर एक्सपेंड करेंगे. लेकिन यहां पे अभी तक जो मैं आपसे, क्योंकि अब आप दोनों बैलेंस शीट का नॉलेज है, मैं क्वेश्चन जो है वो न्यू फॉर्मेट से करूंगा, लेकिन इस कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं फिलहाल जो पुरानी बैलेंस शीट है उस फॉर्मेट से मैं आगे बढ़ूंगा, और उसी फॉर्मेट से होते होते फिर मैं आपको जो फर्दर डिस्कशन है वो न्यू मेथड के अकॉर्डिंगली करवाऊंगा. तो अभी तक आपको नॉलेज हो गया कि बैलेंस शीट में क्या क्या होता है, कैसे प्रिपेयर करते हैं, कंपनी की शेड्यूल्स में कैसे प्रिपेयर की जाती है. तो उसी बेस के ऊपर ये मेरे पास एक बैलेंस शीट है, एक इमेजिनरी फिगर लेकर के हमने एक बैलेंस शीट जो इजी रहे आपको, मतलब सिर्फ एक कंसेप्ट को समझाने के लिए. दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ सतरुज लिमिटेड, मैंने डेट भी नहीं डाली है. तो जैसे मान लीजिए कि इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 10 ईच, 80,000 शेयर्स, ये हमारी 8 लाख रुपीज, जनरल रिजर्व 10 लाख रुपीज एंड लाइबिलिटीज 22 लाख रुपीज. यानी कि सिंपल सी बात है कि कंसर्न के पास 40 लाख रुपीज की एसेट्स है, जिसको किसने फाइनेंस किया है, अपनी पॉकेट से उसने 8 लाख रुपए लगाया है, प्रॉफिट्स में से अर्न करके 10 लाख रुपए है, और बाहर से जो है वो जो बोरो किया है वो जो लाइबिलिटीज है वो 22 लाख रुपीज की है. इस तरह से वो 40 लाख रुपीज की एसेट्स को इस इन चैनल्स के थ्रू जो है वो फाइनेंस किया गया. यही कहती है ना जी बैलेंस शीट, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए हैं, यू नो बेटर अबाउट दिस. सो दिस इज योर एसेट साइट, दिस इज योर इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइट, जो हमारा पुराना फॉर्मेट था उसके अकॉर्डिंगली. साथ में हमें बोल दिया गया कि द एडिशनल इन्फॉर्मेशन आर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स रुपीज 45 लाख रुपीज, कैलकुलेट वैल्यू पर इक्विटी शेयर. आपको याद होगा जब मैंने आपसे इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड की बात करी थी, नेट एसेट मेथड की बात करी थी, तो हमने आपसे ये कहा था कि इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं एसेट्स को नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कि इस बिजनेस को मैं टुकड़े टुकड़े करके बेच दूं, तो बेचूंगा तभी जब उसकी कुछ वैल्यू होगी मार्केट में. इन टुकड़े टुकड़े करके जो मेरे पास पैसा आएगा, उस पैसे से मैं लाइबिलिटीज वाले को, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनको अगर मैं मीट आउट कर दूं, और मीट आउट करने के बाद जो मेरे पास पैसा बचेगा उससे अगर मैं इक्विटी, वो कितना पैसा बचेगा जो मैं, जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का होगा. बस यही बात है, और इसी को हम नेट एसेट मेथड बताते हैं. तो चलिए अब हम इसकी बात करते हैं कि ये क्या मतलब हुआ इसका. देखिए, हमने आपसे बात करा था सॉल्यूशन के लिए, द कंपनी इज टू सेल बाय पीसेस, टुकड़े टुकड़े करके हमने बांट दिए, देन वी हैव टू पे द लाइबिलिटीज, उसमें से हम लाइबिलिटीज मीट आउट करेंगे, और जितना पैसा बच गया दिस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इक्विटी शेयर होल्डर्स. ठीक है जी, बात यहां तक. तो ये हमारे पास एसेट्स हैं, इनकी जो अभी अगर हम मार्केट में जाएंगे तो कितने में बिकेगी ये लिखा हुआ है, और फिर हम इनकी लाइबिलिटीज को मीट आउट करें, जो बाकी पैसा बचेगा वो किसका होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स का होगा. बस वही बात हमने इसकी कैलकुलेशन करने की बात करनी है, मैंने इजी टर्म में आपको बताया. तो देखिये, यहां पर हमारे पास एसेट्स एट नेट रियलाइज वैल्यू, यानी कि अगर आज मैं टुकड़े टुकड़े करके मार्केट में जाऊं तो मेरी जो एसेट्स हैं वो 45 लाख रुपीज में बिक जाएंगी. तो मैं तो अभी तक आपको एक ले मैं नहीं समझ रहा हूं. लाइबिलिटीज एट द पेबल वैल्यू, अभी लाइबिलिटीज के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब जो लाइबिलिटीज हैं उतने अमाउंट की ही पेबल है. तो 22 लाख रुपीज की हमने लाइबिलिटीज मीट आउट कर दी. उसके बाद मेरे पास नेटवर्थ फॉर द शेयर होल्डर्स कितना रह गया, 23 लाख. क्या इसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं,
क्योंकि आपको पता है कि दो मालिक होते हैं, बड़ा मालिक और छोटा मालिक। बड़ा मालिक इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर छोटा मालिक, तो छोटे मालिक का भी कुछ शेयर बनता होगा। लेकिन आपने देखा कि क्लेम ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज निल, क्योंकि यहां है ही नहीं। तो नेटवर्थ फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स बड़े मालिक के लिए कितना पैसा बच गया, 23 लाख रुपीज। तो वैल्यू पर इक्विटी शेयर कितना होगा जी, 23 लाख, और कितने नंबर ऑफ द शेयर्स हैं, ये देखिए कितने जी, 80,000 शेयर्स। तो 80,000 शेयर्स के साथ हमने उसको डिवाइड कर दिया, तो 28 रुपीज 75 पैसा पर शेयर जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बच गया। तो फेस वैल्यू कितनी है उस शेयर की, 10 रुपीज, क्योंकि 80,000 शेयर्स थी, 8 लाख रुपीज कैपिटल थी। और जो ट्रू वैल्यू है वो एक तरह से कितनी है, 28 रुपीज 75 पैसा, या ये ट्रू वैल्यू। लेकिन मार्केट में इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ये 28 रुपीज से ज्यादा भी हो सकता है और 28 रुपीज से कम भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर ये मार्केट में इस टाइम जो है वो 30 रुपीज में बिक रहा है, तो सिंपल सी बात है कि दिस इज ओवर वैल्यूएशन। अगर ये 25 रुपए में चल रहा है जबकि उसकी वैल्यू कितनी है, 28 रुपीज है, तो इसका मतलब ये इस टाइम हमें ये अंडर वैल्यूएशन। तो इस टाइम 25 रुपए पे हमें खरीद लेना चाहिए, 30 रुपए पे हमें बेच देना चाहिए अगर आपके पास है, क्योंकि फेस वैल्यू, अब आपको पता है फेस वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू क्या होती है और ट्रू वैल्यू क्या होती है। यही तो हमारे पास जो स्ट्रेटजीज है। तो इसका मतलब जैसे अमलगामेशन करना था, अब्जॉर्प्शन करना था, कन्वर्शन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर डिवेंचर्स, तो उस टाइम हम पर इक्विटी शेयर जो है वो ट्रू वैल्यू लेंगे और उसी से हम आपकी एक्सचेंज रेशियोज की कैलकुलेशन करेंगे। तो आई होप कि ये थोड़ा सा जो मैंने आपको बताया एक लेमैन की लैंग्वेज में वो समझ आ गया होगा कि अल्टीमेटली है क्या चीज है। तो तभी मैंने आपको बताया था कि जब हम बिजनेस को टुकड़े टुकड़े करके बेच दें और उसके बाद सारी लाइबिलिटीज को मीट आउट कर दें, छोटे मालिक को पैसा दे दें, छोटे मालिक को पैसा देने के बाद जो बड़े मालिक के लिए जो पैसा बचेगा बस उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे और करके जो है वो इक्विटी शेयर्स का जो नेटवर्थ है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स की वो हमारे पास आ जाएगी और उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज टू बी कॉल्ड एज ए ट्रू वैल्यू ऑफ द शेयर, ये हमारे पास आ गई। चलिए अब हम क्या करेंगे कि इसी क्वेश्चन से थ्योरी बनाने की कोशिश करेंगे और उस कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, बस इसी की एक्सपेंशन करेंगे हम आपके पास। ओके, ये तो ये हमारी एक्सपेंशन हो जाती है। जैसे तो पहला हमारा था वैल्यूएशन ऑफ शेयर, कौन सा मेथड जी, इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड, जिसको कि अभी अभी हमने क्या बोला जी, नेट एसेट मेथड, जिसको हमने क्या बोला, एसेट्स बैकिंग मेथड, कोई भी नाम दे दीजिएगा, ट्रू वैल्यू मेथड कोई भी नाम दे दीजिएगा। तो अभी हमने पढ़ा, तो ये भी हमारे पास, मेरे पास पुराना फॉर्मेट है, ये नेम ऑफ कंपनी आ गई जी और ये कंपनी की एसेट्स होती हैं और इधर क्या होते हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, अभी अभी हमने न्यूमेरिकल में देखा। ओके, अब मैंने कहा था टुकड़े टुकड़े करके, तो वहां तो मेरे पास एसेट्स क्या थी, इकट्ठी थी, इसलिए मैंने कंसेप्ट समझाया आपको। लेकिन एसेट्स के अंदर आपके पास क्या क्या एसेट्स हो सकती हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल, बैंक, कैश एट बैंक, इन्वेंट्रीज, इन्वेस्टमेंट्स हैं, कैश है, मोटर कार है, फर्नीचर है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, प्लांट एंड मशीनरी है, डेटर्स हैं, इन्हीं को सबको मिलाकर के हमारे पास क्या आ जाते हैं, टोटल एसेट्स आती हैं। क्योंकि इससे पहले जो मैंने आपको ये न्यूमेरिकल बताया, यह मैंने सिर्फ क्या किया था, टोटल एसेट्स बताई थी, बाइफर्केशन नहीं बताती, क्योंकि आपको कंसेप्ट बताना था। ओके, अच्छा अब मैं क्या करूंगा, मैंने अभी आपको बताया कि इन एसेट्स को हम क्या करेंगे, टुकड़े टुकड़े करके बेचेंगे। ओके जी, बेच देंगे। तो इनको मैंने क्या कर दिया, जैसे यहां पे ये मेरे पास एसेट्स आ गई। ओके, इन एसेट्स को मैंने क्या कर दिया जी, टुकड़े टुकड़े करके बेच दिया, ये लो जी सेल। ठीक है, सेल करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, तो मेरे पास तो कुछ अमाउंट आएगा और जो अमाउंट आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, रियलाइजेबल वैल्यू, दैट इज नोन एज रियलाइजेबल वैल्यू बोलते हैं उसको। ठीक है जी, ये पैसा मेरे पास आ जाएगा, बिल्कुल सही बात आ जी, आपने पैसा जो आपके पास, जैसे वहां 40 लाख एसेट्स हमारी कितने में बिक्री थी, 45 लाख रुपीज, 45 लाख रुपीज को हम क्या बोलते हैं, रियलाइज्ड वैल्यू बोलते हैं। ओके, फिर यहां पे आ जाइए, यहां पे मेरे पास क्या है, इक्विटी, इक्विटी की तरफ को तो हम नहीं जा रहे हैं, अब हम सिर्फ कहां जा रहे हैं, लाइबिलिटीज की तरफ को। लाइबिलिटीज में भी मेरे पास कौन सी, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, यानी कि थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज, सिर्फ वही लेंगे हम, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज ध्यान रखना,
तो थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज में कौन सी आ गई, जैसे डिवेंचर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, लोन्स हैं, टैक्स पेबल्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, बाकी लाइबिलिटीज नहीं, थर्ड लाइबिलिटी। ठीक है जी, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज। इसलिए मैंने सिर्फ कौन सा लिया, लाइबिलिटी। तो ये बैलेंस शीट का ही फॉर्मेट है, एसेट्स हैं, इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज हैं, वही जो हमने न्यूमेरिकल में अभी किया। ओके, अब क्या हुआ कि मैंने क्या किया, वैल्यूज इसको सेल किया, सेल करके मेरे पास क्या आ गया, रियलाइजेबल वैल्यू आ गई, किसकी, एसेट्स की। और उसमें से मैंने क्या किया, लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया। ये जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, ये देखिए, इन एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को पे कर दिया। पे करने के बाद मेरे पास क्या बच गया, बैलेंस। ठीक है जी, व्हाट एवर इज द बैलेंस विच इज लेफ्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन हियर एज नेट वर्थ और नेट एसेट्स। जब मेरे पास नेट वर्थ और नेट एसेट्स आ जाती हैं यहां पे, ठीक है जी, तो क्या हुआ जी, एसेट्स को सेल कर दिया। सेल करने के बाद सेल किसके ऊपर करेंगे, जिसकी उसकी रियलाइजेबल वैल्यू होगी। आपने देखा होगा यहां पे मैंने जिनकी एसेट, जो बेकार की एसेट्स है, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको मैंने नहीं दिया। नोटिस किया आपने यहां पे, तो वो कौन सी थी, वो थी फिक्टिशियस एसेट्स, मैं बाद में बात करूंगा। इनको मैंने सेल किया, ठीक है जी। सेल करने के बाद मेरे पास रियलाइजेबल वैल्यू आ गई। रियलाइजेबल वैल्यू के पास बाद जो है, जितनी भी ये लाइबिलिटीज हैं, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज, इनको मैंने पे कर दिया। जो इनकी लाइबिलिटी बनती थी उसको मैंने पे कर दिया, उसको ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर दिया। ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के बाद जो भी मेरे पास बैलेंस बच जाएगा, वो बैलेंस मेरा नेटवर्थ होगा, उसको हम नेट एसेट्स, किसके लिए, नेट एसेट फॉर शेयर होल्डर्स होगा। उसमें से नेटवर्थ और नेट एसेट्स में से, तभी तो उसका नाम ही इंट्रेंसिक वैल्यू है या एसेट्स बैकिंग मेथड है। जो छोटे मालिक की क्लेम होंगे वो उसमें से माइनस करेंगे इसमें से, तो क्लेम ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर टू बी डिडक्टेड आउट ऑफ दिस नेटवर्थ। और फिर ये एक तरह से एक बैरियर है आपके पास, अगर कोई होगा तो ठीक है, अगर नहीं है तो ठीक है। तो नेटवर्थ ओवर नेट एसेट्स में से क्लेम ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में माइनस किया, अब आपके पास क्या बच गया, नेटवर्थ फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स और नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो सिर्फ कितना पैसा, ये बड़े मालिक का पैसा जो है वो बच गया। अब हमारे पास बड़े मालिक का पैसा अगर यहां से आ गया, क्लियर होगी जी बात। तो मैं दोबारा से एक बार फिर आपसे रिव्यू कर रहा हूं, ये एसेट्स, कौन सी एसेट्स, जिनकी कुछ वैल्यू है, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है वो भी मैं बात करूंगी, यानी कि जो फिक्स एसेट्स है, जो कि एक तरह से रियल एसेट्स नहीं है। और इसमें से हम जनरली कौन सी, जो फेक एसेट्स हैं उनको नहीं लेंगे, लेकिन जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो फेक एसेट्स उसमें होती हैं, उन्हीं को हम सेल करेंगे। सेल करके जो पैसा आएगा, उस पैसे से जो थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज हैं उनको हम मीट आउट करेंगे। मीट आउट करने के बाद, थर्ड पार्टी मीट आउट करने के बाद जो पैसा हमारे पास बचेगा, उसको हम नेटवर्थ और नेट एसेट्स टू शेयर होल्डर्स बोलते हैं। लेकिन शेयर होल्डर में दो तरह के होते हैं, बड़ा मालिक, छोटा मालिक। तो छोटे मालिक का पैसा हम अगर होगा, क्लेम होगा, तो उसको यहां से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो पैसा बच जाएगा वो बड़े मालिक का पैसा होगा। और जब ये पैसा हमारे पास आ गया, तो बस उसी के बाद हमारे पास फार्मूला भी क्रिएट हो गया। फार्मूला क्या हो गया, वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर विच इज इक्वल टू नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये देखिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। यही किया ना हमने छोटे से न्यूमेरिकल में, जो हमने आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए जो क्वेश्चन आपको बताया था पुराने फॉर्मेट में, उसी फॉर्मेट में मैंने आपको थ्योरी बताई। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। मुझे लगता है कि यहां तक अब आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है, तो ये अब हम इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसको अब हम किस फॉर्मेट में जो है वो कैलकुलेशन करते हैं, ये जो नेट एसेट्स है उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, बस वो बात अब हम यहां से डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखिए यहां पे जब हम इसकी इसके डिस्कशन कर रहे हैं यहां पे, तो देखिए, तो सबसे पहले मेरे पास क्या आ गया, अब हम उसको फॉर्म में जो है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ओके, अच्छा, ये देखिए, कैलकुलेशन ऑफ द नेट एसेट्स, ऑल एसेट्स एट रियलाइजेबल वैल्यू, लेकिन यहां पे मैंने एक मार्क लगाया है, ऑल एसेट्स में से क्या एक्सक्लूड होगा वो बात हम आपसे करेंगे।
तो देखो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया मैंने, ऑल एसेट्स आर रियलाइजेबल वैल्यू। ये देखिए यहां पे एसेट्स, इंडिविजुअल एसेट्स यहां आ गई, कोई एसेट्स आ गई यहां आ गई, कोई एसेट्स आ गई, जो भी रियलाइजेबल वैल्यू होगी इनका टोटल यहां पे आ जाएगा। टोटल के बाद हम क्या करेंगे, ऑल लाइबिलिटीज मीन्स कौन सी लाइबिलिटीज, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज, ठीक है जी, वो हम लाइबिलिटीज, वो मतलब हुआ इसका। तो यहां पे नाम लिख देंगे लाइबिलिटीज का, यहां ये अमाउंट आएगा, यहां लाइबिलिटी ये अमाउंट आएगा, और इसमें से ये वाला अमाउंट जो है वो जहां पे फोर है वो मेन फिगर्स हैं, और इसमें से ये हमारी लेस हो गई। लेस होने के बाद मेरे पास क्या आ गई, नेट एसेट्स आ गई। लेकिन ये नेट एसेट्स किसकी है, सबकी है, शेयर होल्डर्स की है, बड़ा मालिक हो छोटा मालिक हो। उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्लेम कर दिया जी, उसमें से अगर कोई प्रपोज डिविडेंड है तो वो भी माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद मेरे पास आती है नोशनल कॉल्स, ये अभी आपके लिए नई चीज होगी, ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और नोशनल कॉल को भी यहां मैं प्लस करूंगा। प्लस करने के बाद जो भी मेरे पास एसेट्स अवेलेबल होंगी, दैट एसेट्स आर अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है जी। यहां पे अच्छा, सबसे पहले तो मैं अब आपसे ये डिस्कस करूंगा कि ये नोशनल कॉल्स क्या होती हैं। हाँ, नोशनल कॉल्स को वैसे तो ये रिवर्स हो जाती है, पहले हम प्लस करते हैं बाद में ये माइनस हो जाती है। हाँ, नोशनल कॉल की मैं आपसे बात कर रहा हूं। देखिए नोशनल कॉल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये है, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं कि 30,000 इक्विटी शेयर और 10 इज फुली पेड अप शेयर्स। जब फुली पेड अप शेयर्स हैं तो यहां पे कोई भी नोशनल कॉल नहीं है, इमेजिनरी कॉल नहीं है। लेकिन यहां अगर आप जाओ तो 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ विच 10 इज रुपीज 8 पेड अप, ठीक है, पेड अप शेयर्स। जब शेयर्स पेड अप हैं तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेड अप को फुली पेड अप में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, और फुली पेड अप में करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल करना पड़ेगा। जब मुझे इक्वल करना पड़ेगा तो ये जो 2 रुपए हैं जो बाकी बच गए हैं उसको हम नोशनल कॉल्स बोलते हैं। जब नोशनल कॉल्स से पैसा आएगा तो यहां पे हमारे पास से उसको ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है बाय कॉलिंग अप द अनपेड वैल्यू वर्चुअली इन बैंक, ठीक है, वर्चुअल है, एक्चुअल में नहीं है अभी तक हमारे पास, लेकिन जब हम उसको कॉल अप करेंगे अनपेड वैल्यू को तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नोशनल कॉल्स बोलते हैं। अब मान लीजिए कि यहां पे 2 रुपए के हिसाब से 80,000 रुपए जो है मेरा क्या बन जाएगा, नोशनल कॉल्स बन जाएगा। तो नोशनल कॉल किसके लिए बनता है, जब आपके पास पार्टली पेड अप शेयर्स हो, उनको हम जब फुली पेड अप शेयर में कन्वर्ट करते हैं तो उनको हमें इक्वल करना पड़ता है। जब इक्वल करना पड़ता है तो उसके लिए जो अमाउंट आप एक तरह से वर्चुअली जो है वो शो करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नोशनल कॉल्स बोलते हैं। बात क्लियर होगी जी यहां पे, सो दीज आर कॉल्ड नोशनल कॉल्स। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया नोशनल कॉल्स का ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, मैं आपको न्यूमेरिकल में आपको बताऊंगा। इसलिए हमारे पास जो नोशनल कॉल्स हैं वो पैसा हमारे पास आएगा, इसलिए हम उसको प्लस कर देते हैं। प्लस करने के बाद जो एसेट्स अवेलेबल है दैट इज अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, अब देखिए, अब मैंने यहां पे आपके साथ पास ये स्टार लगाया, तो ऑल एसेट्स में कौन सी, सर ऑल एसेट्स में तो आपने ये बताया था ये वाली एसेट्स हैं, ये वाली एसेट्स, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैंने ऑल एसेट्स में से कुछ एसेट्स में से यहां से एक्सक्लूड कर दिए, जिसको मैं बार बार आपसे साथ डिस्कस कर रहा था। तो चलिए जी, वो कौन कौन सी एसेट्स हैं, जो स्टार लगाया था वो स्टार हमारे पास ये है, दिस इज द स्टार फॉर इट, यानी कि फिक्टीसियस एसेट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेक एसेट्स। फिक्टीसियस एसेट्स का मतलब क्या होता है, बहुत पढ़ा हुआ है आपने लेकिन फिर भी मैं आपको रिवाइज करता हूं, दिस इज नॉट ए रियल एसेट्स बट डेफर्ड एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जिनका बेनिफिट एक साल में एग्जॉस्ट नहीं होता लेकिन लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए रहता है, उसी को तो हम क्या बोलते हैं, डेफर्ड एक्सपेंसेस बोलते हैं। फर्स्ट ईयर में पढ़ा था आपने, प्लस वन में पढ़ा था आपने। तो ये कौन से होते हैं, एक्सपेंसेस और लॉसेस नॉट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ अकरेंस, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। आपको याद होगा जैसे आप क्या करते थे कि कई बार हम आप बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो है वो एक्सपेंसेस करते थे, जिसको हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते थे। मान लीजिए कि आपने 1,00,000 रुपए के प्रीमियम्स, अब आपके ऐसे प्रॉफिट जो है वो 5,000 के अवेलेबल है, तो क्या होगा, 95,000 इज टू बी रिमेन रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ रह जाएगा तो अगले साल ले जाएंगे, अगले साल मान लीजिए 10 साल के हुए तो फिर अगले साल 85 के रह जाएंगे, एक दिन आएगा वो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक ये क्या रहेगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में बैलेंस शीट में अपियर होता रहेगा। तो क्या है ये, एक्सपेंसिव तो है,
कौन सा एक्सपेंस है? डेफर्ड एक्सपेंस है, क्योंकि इसका बेनिफिट हमारा एक साल में खत्म थोड़ी हो जाता है. इट इज टू बी एग्जॉस्टेड इन द नियर फ्यूचर, इट इज टू बी एग्जॉस्टेड इन द फोर्थ कमिंग ईयर्स. सो दैट्स व्हाई द बेनिफिट इज नॉट एग्जॉस्टेड. ये नहीं है कि मैंने सैलरी साल दी तो सारा का सारा बेनिफिट भी मैंने इसी साल ले लिया. बात क्लियर होगी? तो उसी तरह से जब मैं शेयर्स को डिस्काउंट पे इश्यू करता हूं तो जो डिस्काउंट होता है वो मेरा लॉस होता है. जब लॉस होता है तो एक साल के प्रॉफिट में से उसको रिकूप नहीं करते, तो फ्यूचर के प्रॉफिट में से रिकूप करेंगे. तो जब तक वो राइट ऑफ नहीं हो जाता तब तक वो मेरी बैलेंस शीट में अपीयर होता रहेगा, लेकिन वैल्यू तो नहीं है ना उसकी कोई. जब वैल्यू नहीं है तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? फेक एसेट. उसको क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस एसेट. उसको हम क्या बोलते हैं? जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, विच इज नॉट ए रियल एसेट बट ए डेफर्ड एक्सपेंसेस. तो ये आपने डिटेल में हमने पहले भी डिस्कस करे हैं, फिर भी आपको बता रहा हूं. लॉसेस इनकर्ड ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, आपने प्रीमियम पे इश्यू कर दिया, फिर डिस्काउंट पे सॉरी इश्यू कर दिया. उसी तरह से प्रमोशनल एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस. अब जैसे एडवर्टीजमेंट है, अब एडवर्टीजमेंट के ऊपर आपने खर्च कर दिया, तो ऐसा तो नहीं है कि एडवर्टीजमेंट का जो पैसा इस बार आपने खर्च किया उसका फायदा सिर्फ एक ही साल मिलेगा, काफी साल मिलेगा ना. जब काफी साल मिलेगा तो दिस बेनिफिट इज नॉट एग्जॉस्टेड विद इन ए पीरियड ऑफ वन ईयर, दैट इज टू बी स्प्रेड टू द नंबर ऑफ द ईयर्स. तो जब बहुत सालों के लिए स्प्रेड किया जाता है तो उसको इसी को हम क्या बोलते हैं? डेफर्ड एक्सपेंसिव. तो ये भी कौन सी एसेट है? फिक्टिशियस एसेट. लेकिन बैलेंस शीट में तो आपको एसेट साइड में मिलेगी ना वो. उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस. ये जो डेबिट बैलेंस है, दिस बैलेंस इज ऑल्सो टू बी नोन हियर एज फिक्टिशियस एसेट. तो अब मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि देखिए मैंने यहां पे जितने भी एसेट्स आपसे ली, इनमें मैंने कहीं फिक्टिशियस एसेट्स ली नहीं ली ना, तो यही रीजन था. इसलिए मैंने यहां पे अभी आपको क्या लगाया? स्टार लगाया. स्टार इसलिए लगाया, ऑल एसेट्स एट रीजनेबल वैल्यू. तो कौन सी एसेट्स को छोड़ करके? फिक्टिशियस फेक एसेट्स को छोड़ करके बाकी एसेट्स को आपने यहां पे इंक्लूड करना है. ओके, तो यहां पे मैंने बहुत सारी एसेट्स भी डिस्कस करी, लेकिन उनकी वैल्यू हम कैसे कैसे लेते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे. इन्वेंट्री जो है वो ली जाती है एट करंट मार्केट प्राइस, जो भी वैल्यू. इन्वेस्टमेंट्स हम किसके ऊपर लेते हैं? क्योंकि मार्केट में जो प्राइस होगा उसी के ऊपर बिकेगी ना, तभी मेरे पास रियलाइजेबल वैल्यू आएगी. इन्वेस्टमेंट भी किसके ऊपर बिकेगी? मार्केट प्राइस के ऊपर बिकेगी, तभी हम उसको रियलाइजेबल वैल्यू देंगे. लेकिन वो कहता है कैन बी टेकन एट कॉस्ट इफ दैट फॉल इन मार्केट इज टेम्पररी. अगर कहीं कॉस्ट से कम हो गई होगी और ये कोई टेम्पररी फॉल है तो उस टाइम भी हम नेचुरली कॉस्ट प्राइस के ऊपर ले सकते हैं. करंट एसेट्स हैं एट एक्सपेक्टेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जैसे आपके पास डेटर्स हैं, बिल्स रिसीवेबल हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है. ओके, उसके बाद आती है गुडविल. गुडविल नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है और इसलिए इट मे बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट्स. ठीक है, अगर तो आपको वैल्यू करके दी है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कई बार एग्जामिनर का टेस्ट करना होता है. तो टेस्ट करने के लिए वो क्या करता है? वैल्यूएशन ऑफ शेयर में से क्वेश्चन डालता है और वैल्यूएशन क्वेश्चन में शेयर डाल करके आपको बोलता है कि गुडविल की कैलकुलेशन आपने करनी है विद द हेल्प ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. उससे क्या होगा? दोनों इसी क्वेश्चन से दोनों चैप्टर जो है कवर हो जाते हैं. इसलिए मैक्सिमम टाइम एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है कई बार वो वैल्यूएशन ऑफ शेयर में से क्वेश्चन होता है, क्योंकि उसने गुडविल की कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली करवा लेता है आपसे. तो हम भी ऐसा करेंगे कि इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो इसी मेथड के साथ करेंगे. अच्छा, फिक्स एसेट्स हैं जैसे, दैट इज एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू. और बाकी आपके पास जो अनरिकॉर्डेड एसेट एंड लाइबिलिटीज हैं, दीज आर आल्सो टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. हो सकता है वो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखी हूं. तो मुझे अब लग रहा है कि अब आपको जो मैंने आपको ये डायग्राम बताई थी, इस डायग्राम में जो आपके डाउट्स थे वो शायद अब आपको क्लियर हो गए होंगे कि कौन सी एसेट मैंने किस प्राइस के ऊपर किसके ऊपर लेनी है, कौन सा अमाउंट मैंने रिकॉर्ड करना है, कौन सा नहीं रिकॉर्ड करना है. वो अब आपको क्लियर हो गया होगा. तो मुझे लगता है कि अब हमारे पास फॉर्मेट भी आ गया कैलकुलेशन में. तो ऑल एसेट्स अब मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूं क्योंकि अब सारी बातें क्लियर हो गई हैं. ऑल एसेट्स एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट्स एट रीजनेबल वैल्यू, सबकी जो जिस जिसके ऊपर होगा वो यहां ले लिया. लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज को आपने उसमें से माइनस कर दिया. माइनस करने के बाद आपके पास नेट एसेट्स आ गई. नेट एसेट में से आपने छोटे मालिक का जो क्लेम होगा वो माइनस कर देना. प्रपोज डिविडेंड उसके ऊपर होगा तो वो माइनस कर देना. नोशनल कॉल्स अब आपके पास होंगी तो प्लस होगा, क्योंकि आपने इक्वल करना है, पार्टली पेड अप को फुली पेड अप में कन्वर्ट करना है, इसलिए वो नोशनल कॉल्स आपके पास आ गई.
और इनको एडजस्टमेंट करने के बाद अब आपके पास क्या बच गया, नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। और फार्मूला आपको पता है कि नेट एसेट्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये जो फार्मूला आपको दे रखा था हमने कि वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द इक्विटी शेयर्स। तो अब हमने क्या किया कि एक छोटे से क्वेश्चन के साथ हम चले, ये थ्योरी हमने क्रिएट करी। थ्योरी क्रिएट करने के बाद हमने एक फॉर्मेट बनाया कि अब इसको फॉर्मेट फॉर्म देते हैं इसको, और फॉर्मेट के बाद अब हमने जो डाउटफुल पॉइंट्स थे वो आपके क्लियर कर दिए। क्लियर करने के बाद अब हम बात करेंगे एक क्वेश्चन, इसकी एक एप्लीकेशन करते हैं और जिससे कि आपके जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। ओके, तो ये देखिए अब हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब मैंने जो क्वेश्चन लिया है आपको ये नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ले लिया है, क्योंकि एग्जाम में तो अब नया फॉर्मेट आएगा, कंसेप्ट अब आपको क्लियर है। द बैलेंस शीट ऑफ सनशाइन लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019 वॉज एज फॉलोज। तो ये आपके पास पार्टिकुलर्स हैं, ए नोट नंबर है क्योंकि नोट्स टू अकाउंट होता है, और ये हमारे पास अमाउंट है। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स में हमारे पास शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 है। ओके, अगर नोट नंबर 1 है तो हम देख लेते हैं कि उसमें 5 लाख रुपए की डिटेल क्या दे रखी है। ये देखिए, ये नोट्स टू अकाउंट्स में हमारे पास इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल है 2000 इक्विटी शेयर रुपीज 100 ईच फुली पेड 2 लाख रुपीज, 2000 इक्विटी शेयर रुपीज 100 ईच ये देखिए पार्टली पेड अप है पर शेयर 1 लाख रुपीज, और 2006% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच फुली पेड दैट इज 2 लाख रुपीज, इसलिए टोटल मेरे पास आ गया 5 लाख। तो पुराने फॉर्मेट में तो डिटेल वहीं मिल जाती थी, लेकिन नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आपको कहां जाना पड़ता है, नोट्स टू अकाउंट जो हमने फाइनल अकाउंट में पढ़ा था। जिसको अगर फाइनल अकाउंट का नहीं पता तो फाइनल अकाउंट्स के वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पे आप देख सकते हैं, वहां पे कॉरपोरेट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है और वहां पे फाइनल अकाउंट्स के वीडियोस पड़े हैं, आप वहां से उसको वॉच कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास 5 लाख रुपए की डिटेल आ गई, और ये डिटेल हमारी किस फॉर्म में होती है, नोट्स टू अकाउंट पर। लेकिन यहां ध्यान रखना ये क्या है, पार्टली पेड अप। ओके, अब ये हमने नोट्स टू अकाउंट भी देख लिया 5 लाख रुपए का। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व है हमारे पास 69,000 के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है मेरे पास 90,000 रुपीज का। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट कुछ भी नहीं है, हमारे पास नील है। नॉन करंट लाइबिलिटीज में मेरे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं 5% डिवेंचर्स की, कितने 10,000 थर्ड पार्टी। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज हैं ट्रेड पेबल्स सन्ड्री क्रेडिटर्स दैट इज ऑफ रुपीज 1,26,000। इस तरह से टोटल मेरा 7,95,000, ये मेरा टोटल हो गया इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का न्यू फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली। उसके बाद हमने एसेट्स, अब एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स में मेरे पास टेंजिबल एसेट्स में फर्दर क्या क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग है 2,20,000 की, प्लांट एंड मशीनरी है 2 लाख रुपीज की, इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल है मेरी 30,000 रुपीज की। ओके, ये गुडविल का पॉइंट आ गया यहाँ पे। फिर हमारे पास करंट एसेट्स है इन्वेंट्रीज है 2,10,000 की, ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स है मेरे पास 60,000 के, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कैश एट बैंक है 75,000, और इसका टोटल भी 7,95,000 है। तो जो टोटल हमारे पास इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का था वही टोटल हमारे पास एसेट्स का भी हो गया, तो दोनों साइड बराबर हो गई। उसके अलावा हमारे पास कुछ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। द फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी वर रीवैल्यूड एट रुपीज 3 लाख एंड 1,70,000 रिस्पेक्टिवली। 3 लाख रुपए लैंड एंड बिल्डिंग की और 1,70,000 मशीनरी की वैल्यू जो है इस टाइम मार्केट में अवेलेबल है। नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड ओके फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज 10%। इसका मतलब अब हमें यहां पे जो गुडविल की कैलकुलेशन है वो करनी पड़ेगी, चाहे हमें वैल्यू दे रखी है। अपार्ट फ्रॉम दिस डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन द रीवैल्यूड एसेट्स। अच्छा, इसके ऊपर जो है विच आर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 5% एंड ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%। ओके, कोई बात नहीं। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स वर रुपीज 1,05,000 आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट द रेट ऑफ 50%। ठीक है जी, ईबीआईटी आफ्टर
अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, और ये आ गया हमारा आफ्टर टैक्सेस। द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये लो जी, अब यहां इसका मतलब हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो साथ में क्या होगा, दोनों चैप्टर कवर हो गए। देन प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड ऑफ 12,000 वाज इन एरियर, ठीक है जी, बकाया था, विच वाज इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओहो, गलती से सन्ड्री क्रेडिटर्स में इंक्लूड कर रखा है, तो वहां से हमें तुम्हें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। सिमिलर कंपनीज आर पेइंग 10% डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। ओके जी, एक तरह से फॉर्मेट सामान मिल गया हमें। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर ऑन द बेसिस ऑफ एसेट बैकिंग मेथड। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है और इसके साथ ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, और उसी के बेस के ऊपर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो लेट अस, तो नया फॉर्मेट है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो हमारा जो फॉर्मेट था वो फॉर्मेट हमारा क्या कह रहा है, बस उसी के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, तो हमारा फॉर्मेट था कंप्यूटेशन ऑफ नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग। अभी आपने देखा कि हमारी वर्किंग में जो था एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा था कि 3 लाख रुपए उसकी वैल्यू है, मिल गई जी आपको, नहीं, ये देखो 3 लाख, ये देखो 3 लाख और 1,70,000 रुपीज। ओके, चलो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ रखता हूं यहां पे आपसे। फिर इन्वेंट्रीज मेरे पास 2,10,000 की है इन्वेंट्रीज, ये देखिए इन्वेंट्रीज हैं मेरे पास 2,10,000 की, ठीक। अच्छा, उसके बाद मेरी डेटर्स हैं 60,000 के, फिर कैश एट बैंक है 75,000, और गुडविल इसकी हमें वर्किंग करनी पड़ेगी, जो कैलकुलेशन करनी है हमने 94,800 की। गुडविल कैसे कैलकुलेट हुई वो मैं आपको वर्किंग बता देता हूं। देखिए, तो वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे आई ये मैं कैलकुलेशन करके आपको देता हूं। तो क्या बोल रहा है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years दे रखे हैं जी हमारे पास, एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स। ये देखिए, ये 1,05,000 आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स। ओके, तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years बिफोर टैक्सेशन इज, तो टैक्स के बाद थे मेरे पास 1,05,000, तो आफ्टर के डबल हो जाएगा ना, 50% है ना, तो 1,05,000 टू 100 डिवाइडेड बाई 50 विच इज इक्वल टू 2,01,000। एड डेप्रिसिएशन ओवरचार्ज्ड ऑन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी, जो कितनी थी, क्योंकि हमारे पास 30,000 का डेप्रिसिएशन है, तो कितना हुआ 3,000, क्योंकि 3 लाख के ऊपर, ठीक है, 10% दैट इज 2,04,000 एड हो गया। लेस डेप्रिसिएशन अंडरचार्ज्ड ऑन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग 5% ऑफ 80,000 बोला है उसमें, क्योंकि एक क्या हुआ, नहीं बात क्लियर हुई, ये देखो ये 2,20,000 का 3 लाख बन गया ना, और 2 लाख रुपए का कितना बन गया, 1,70,000 बना, ये देखो 3 लाख और 1,70,000, इन्हीं की वजह से जो है आपका डेप्रिसिएशन में फर्क पड़ रहा है, तो वो मैंने एडजस्टमेंट कर दी। फिर उसके बाद 2 लाख रुपीज आ गया, लेस इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 50%, 1 लाख हो गया। एड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है 5% ऑन 10,000 रुपीज, दैट इज 500 रुपीज। इस तरह से मेरे पास 1,05,500 हो गया। लेस नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, अब कैपिटल इंप्लॉयड जो है वो कैलकुलेशन, ये मैंने आपको कैपिटल इंप्लॉयड 3 लाख रुपए की मेरी एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी 2,10,000, 60,000 प्लस 75,000, 8,15,000। उसके बाद मेरी सन्ड्री क्रेडिटर्स की लाइबिलिटीज, क्योंकि उसमें से 12,000 जो था मेरा डिविडेंड का था, जो डिविडेंड का था वो उसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा सन्ड्री क्रेडिटर में से, तो 1,14,000। लेकिन एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, 12,000 है, तो 1,26,000 की लाइबिलिटीज हमने माइनस कर दी। मेरे पास कैपिटल इंप्लॉयड कितना हो गया, 6,89,000, जो हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में पढ़ा था। तो जो नॉर्मल कैपिटल इंप्लॉयड है वो 10% दिखा है आपको यहां पे, एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिएगा जी, ये देखो 10% लिखा है कि नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज 10%। तो हमने 10% के हिसाब से इसकी कैपिटल इंप्लॉयड में नॉर्मल रिटर्न कैलकुलेट कर दी, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सुपर प्रॉफिट हुआ,
ये हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट, ये हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया, और ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्या बन गया, सुपर प्रॉफिट। जब सुपर प्रॉफिट बन गया तो आपको बोला है थ्री इयर्स के बेस के ऊपर आपने कैलकुलेशन करनी है, इसलिए हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज द थ्री इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो 31,600 टू 3 इज इक्वल टू 94,800, और ये जो 94,800 की हमने कैलकुलेशन जो करी उसको हमने कहां लिख दिया जी, गुडविल में लिख दिया। ये लो जी वर्किंग, इस तरह से मेरे पास ये टोटल एसेट्स आ गई 9,09,800 की। अब उसमें से मैंने लाइबिलिटी माइनस करनी है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स ये 12,000 मेरा क्या था जी, आपको याद होगा एरियर ऑफ डिविडेंड, मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड में भी आपको बताया। तो 1,26,000 माइनस 12,000 विच इज इक्वल टू 1,14,000 रुपीज। आउटसाइड लाइबिलिटी कौन सी है, 5% डिवेंचर्स हैं, तो 10,000 की वो माइनस कर दी। इस तरह से मेरे पास जो लाइबिलिटीज हैं वो 1,24,000 आ गई। उनको माइनस करने के बाद मेरे पास ये एसेट्स अवेलेबल किसके लिए हो गई, बड़े मालिक और छोटे मालिक के लिए, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए ये पैसा बच गया। लेकिन अब इसमें से क्या है, आपको पता है हमने जो फॉर्मेट बताया था कि जी छोटे मालिक का तो पैसा जो क्लेम होता है वो दे देना है, हमने दे देते हैं जी। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्लेम कितना है जी, 2,00,000 रुपए का है, ठीक है। उसके बाद एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड थे 12,000, जो हमने यहां से इंक्लूड कर रखे थे वो अब हमने एक्सक्लूड करके यहां लिख दिया। तो अब ये मेरे पास किसका हो गया जी, छोटे मालिक का पैसा 2,12,000 इनके क्लेम से, क्लेम करने के बाद हमारे पास ये बच गया 5,73,800। उसके बाद आपको याद होगा मैंने बताया था आपको नोशनल कॉल्स फॉर पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स कितने हैं जी, नोशनल कॉल्स में, नोशनल कॉल्स में आपके पास 50% है ना, नोशनल कॉल्स, नोशनल कॉल्स का मैं आपको वो बता देता हूं, ये देखिए ये है 2000 शेयर्स, 100 इज फुली पेड है और ये 50 है, तो यहां से क्या बन गया मेरा नोशनल कॉल बन गया। तो नोशनल कॉल्स ऑन पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स 50 × 2,000 इज इक्वल टू 1,00,000 रुपीज। ओके, अब नोशनल कॉल्स हमारा क्या हो गया जी, ऐड हो गया, ऐड होने के बाद क्या आ गया जी मेरा पास नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना जी, 6,73,800 रुपीज मिल गया जी यहां तक। अब हमारे पास जब ये बात आ गई तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स अंडर एसेट बैकिंग मेथड या इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड क्या होता है जी, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू, बोलो जी क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है जी एसेट्स अवेलेबल, नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ये 6,73,800 में कहां ले गया, ये ले गया जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो देखते हैं जी इक्विटी शेयर्स कितने हैं, ये देखिए 2000 ये इक्विटी शेयर्स है, 2000 ये इक्विटी शेयर्स है, कितने हो गए 4000। तो ये मेरे पास किससे आया, 2000 + 2000 विच इज इक्वल टू 4000। तो ये मेरा बन गया 168.45 द वैल्यू ऑफ फुली पेड शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। आपको याद होगा मैंने नोशनल वैल्यू की बात करी थी, मैंने कहा बाद में वो माइनस हो जाता है, तो ठीक है। तो वैल्यू ऑफ पार्टली पेड अप शेयर ऑफ रुपीज 50, इसमें से हम क्या करेंगे, जो फुली पेड अप की वैल्यू आई उसमें से हम जो हमारा नोशनल कॉल है वो माइनस कर देंगे। तो 50 रुपए हमारी नोशनल कॉल थी, तो पार्टली पेड अप की वैल्यू कितनी होगी, 118.45। इट मीन्स वट एवर इज द वैल्यू माइनस नोशनल कॉल ऑफ रुपीज 50। तो इस ये फार्मूला बन गया 168.45 माइनस नोशनल कॉल ऑफ रुपीज 50, ये किसकी होगी, पार्टली पेड अप शेयर की। तो तभी मैंने बताया था आपको कि नोशनल कॉल को पहले हम वहां पे ऐड करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको इसमें से माइनस कर देते थे। इस तरह से हमारे पास हम इक्विटी शेयर्स की एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए 50 रुपए मैंने आपको बताया था वर्चुअल है ना, वर्चुअल है तो इसलिए हमने माइनस कर दिया, माइनस कर दिया। तो अब जिसने रियल वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसको पता चल जाएगा कि इस शेयर की जो वैल्यू है, जो 50 रुपए का शेयर है, ये देखिए जो ये 100 रुपीज का शेयर है उसकी वैल्यू 168.45 है, जिसका 50 रुपीज वैल्यू है उसका 118.45 है, क्योंकि 50 रुपीज इज द नोशनल कॉल्स। अब मुझे लगता है कि शायद अब आपको ये मेथड जो है वो क्लियर हो गया होगा कि इसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो शेयर की जो वैल्यूएशंस हैं वो हम
कैसे करते हैं, तो ये देखिए अब लास्ट में अब आपको वही फॉर्मेट हमारे पास आ गया। कैसे करते हैं जी, ऑल एसेट्स एट रियलाइजेबल वैल्यू माइनस ऑल लाइबिलिटीज, मेरे पास नेट एसेट्स आ गई, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्लेम माइनस होता है, प्रपोज डिविडेंड माइनस होता है, फिर प्लस नोशनल कॉल्स होती हैं, और फिर उसके बाद जो नेट एसेट्स अवेलेबल हैं दैट इज अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। और जब हमारे पास ये इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा जो है हमारे पास यहां पे रिसीव हो जाता है, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम एक फार्मूला लगाते हैं उसमें, और जो फार्मूला है वो उस फार्मूले से जो हमारी कैलकुलेशन हो जाती है, तो वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर इज इक्वल टू नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये हमारे पास फुली पेड की आ जाती है, उसमें अगर नोशनल कॉल है तो वो माइनस हो जाती है। तो इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर था रिगार्डिंग द वैल्यूएशन ऑफ द शेयर्स अंडर द इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, आई होप कि अब आप एक टेक्निकल हैंड बन चुके होंगे, आपके अंदर एक ये स्किल डेवलप होगी होगी कि इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से हम एक कंपनी की ट्रू वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं।